ना चिकन कड़ाही, ना ही चिकन हांडी और ना ही चिकन कौरमा, बल्कि आज हम किचन एट में बनाने जा रहे हैं लेमन पेपर चिकन। इस आसान झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 किलो चिकन विद बोन्स। चिकन के पीसेस को दोनों साइड पर कट्स लगाने के बाद इस चिकन पर 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 कप दही डालकर चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को चिकन पर अच्छी तरह मैरिनेट करके 1/2 आवर के लिए रख दें। एक पैन में हमने लिया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल, साबुत गरम मसाला, कड़ी पत्ता, 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर, 2 टेबलस्पून स्लाइस्ड गार्लिक और तकरीबन 4 हरी मिर्च स्लाइस की हुई शामिल करके चंद सेकंड्स के लिए सौते करेंगे। जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो तो मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस को 1/1 पैन पर रखकर बाकी बची हुई मैरिनेशन को चिकन के ऊपर डाल दें। इस चिकन को पहले एक साइड से 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। चिकन एक साइड से तकरीबन 50% पक कर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो चिकन को टर्न करके दूसरी साइड से अगेन 5 से 6 मिनट के लिए पकाएं। जब चिकन में शामिल किए हुए दही का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो इस चिकन में ग्रेवी ऐड करने के लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा पानी, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और तकरीबन 3 टेबलस्पून लेमन का जूस शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन के साथ इस मिक्सचर को ऐड करके हल्की सी ग्रेवी बनाएंगे और लास्ट में 2 टेबलस्पून मक्खन और चॉप्ड किया हुआ हरा प्याज शामिल करेंगे। चंद सेकंड्स के लिए हीट देखकर रेसिपी को कर लेंगे टर्न। लेमन पेपर चिकन को रोटी और राइस दोनों के साथ सर्व किया जा सकता है। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप माई चैनल।